दो शब्द बोल दूं? हाँ, आई कैन स्टार्ट। ओके, पहले राहुल जी कुछ बताइए। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। अब भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन हो गए हैं। कन्याकुमारी से अब हम राजस्थान से निकल रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जब शुरू किया तो प्रेस के हमारे मित्रों ने कहा था कि देखो ये साउथ में सक्सेस रहेगी, मगर जब साउथ से निकलेंगे तो सक्सेस नहीं होगी। फिर महाराष्ट्र में कहा कि हाँ महाराष्ट्र में सक्सेस हो गई, मगर हिंदी बेल्ट में सक्सेस नहीं होगी। और फिर हिंदी बेल्ट में जब हम आए, कहा अच्छा मध्य प्रदेश में सक्सेस हो गई, बट अब राजस्थान में फैक्शनलिज्म है, वहाँ पे सक्सेस नहीं होगी। और आपने बहुत क्लियरली देखा कि राजस्थान में बहुत लोग आए, लाखों लोग आए, हमारे संगठन ने बहुत अच्छा इफेक्टिव काम किया और शायद सबसे अच्छा रिसेप्शन इस यात्रा का राजस्थान में हुआ। यात्रा के लक्ष्य 3 हैं। सबसे ज़रूरी कि हम हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं। जो नफ़रत, हिंसा और डर की राजनीति बीजेपी कर रही है, आरएसएस कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़ा होना चाहते हैं। ये मैसेज बहुत अच्छी तरह देश में गया है, बहुत अच्छा रिसेप्शन हुआ है इस मैसेज का, ये लोग सुनना चाहते हैं। ये राजनीति करने का एक दूसरा तरीका है, कांग्रेस का तरीका है, गांधी जी का तरीका है। दूसरे 2 मैसेजेस हैं। एक, जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ, और दूसरा जो महंगाई और जो इनकम इनक्वालिटी हो रही है, जो चुने हुए लोगों को बहुत सारा फायदा मिल रहा है और हमारे जो किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, युवा हैं, उनका नुकसान हो रहा है। तो ये हमारे 3 मुद्दे थे। अगर आप चाहते हैं मैं अंग्रेजी में बोल लेता हूँ या हिंदी में, ठीक है? अब आपके जो सवाल होंगे आप पूछ सकते हैं। दैनिक भास्कर के सौरभ भट्ट, माइक दीजिएगा जल्दी जल्दी, संक्षिप्त में प्लीज। नमस्कार सर। सर, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में जब से आई है, कांग्रेस सड़कों पर एकजुट दिख रही है, कोई बयानबाजी भी नहीं हो रही, कोई विवाद भी सामने नहीं आ रहा, लेकिन जब आप राजस्थान यहाँ से छोड़कर जाएंगे तो क्या स्थितियाँ यही रहेगी? इसके लिए कोई मैकेनिज्म दे के जाएंगे या फिर कांग्रेस ऑल इज वेल के बयान से ही काम चलाएगी? मेरी राय है कि जो मैंने देखा है, और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, ये बाकी स्टेट्स की भी बात है, कि मेन इशू कांग्रेस पार्टी की, कि हमारा जो आम कार्यकर्ता है, जो सड़क पे लड़ता है, जो सड़क पे लड़ता है, जो लोअर लेवल का नेता है, उसको हमें पार्टिसिपेट करवाना है, उसको हमें जगह देनी है और उसकी बात हमें सुननी है। ये मेन इशू है। जो ये बयानबाजी की बात होती है, ये तो आप जानते हो, प्रेस वाले आप थोड़ा मजा, मतलब अपने अखबारों में लिखना चाहते हो तो आप करते रहते हो, ये आपकी आदत है, अच्छी आदत है, इससे आपके अखबार बिकते हैं। मगर हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें बड़ी क्लैरिटी है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। राजस्थान पत्रिका से शादाब अहमद। और दूसरी बात देखिए, हमारी पार्टी डिक्टेटरशिप की पार्टी नहीं है, जो फैशिस्ट पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में थोड़ी सी डिस्कशन हमें ठीक लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। अगर अलग अलग विचार हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, हमारे हर स्टेट में ऐसा है, सेंटर में भी हमारा ऐसा ही चलता है, तो हम इस चीज़ को टॉलरेट करते हैं। ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, तो अगर ज़्यादा नुकसान होता है तो हम एक्शन भी लेते हैं, मगर जनरली ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि लोग, हमारे पार्टी के लोग अगर कुछ बोलना चाहें हम उनको डरा कर चुप नहीं करते हैं। और प्रेस वाले बोलना चाहे तो हम बिल्कुल नहीं डराते हैं, वो तो आप जानते हो। शादाब अहमद,
राहुल जी, सबसे पहले तो 100 दिन पूरे करने पर आपको बधाई, और मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आप कन्याकुमारी से चले और राजस्थान तक आए, इसमें 6 स्टेट ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस अपोजिशन में है, और राजस्थान ऐसा अकेला स्टेट है जहां पर कांग्रेस रूलिंग स्टेट है, तो इसमें आपको क्या अंतर देखने को मिला? आप लोगों से मिले हैं, वहां पर भी खूब लोगों से बातचीत हुई है, यहां पर भी आपके लोगों से बातचीत हुई है, जो स्कीम्स हैं उसको लेकर और जो वहां पर जो अपोजिशन में जो भी चीज़ें थी, उसमें क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ है? सबसे पहले मुझे जमीन से एक बात समझ आई, और ये तमिलनाडु से लेकर राजस्थान तक, कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है, कांग्रेेस पार्टी का जो सपोर्टर है, उसके कोई कमी नहीं है। लाखों करोड़ों लोग हैं, और सिर्फ हमारी पार्टी के लोग नहीं, मतलब आम नागरिक भी बहुत, मतलब कांग्रेस पार्टी से बहुत प्यार करते हैं। तो ये तो देखने को मिला हर स्टेट में। जो आपने कहा, जब हमने यात्रा शुरू की, मैंने भी सोचा था कि एक्चुअली जो केरला में हमारा संगठन है वो शायद बहुत मजबूत है, मगर उसके बाद मैंने सोचा कि केरला बेस्ट होगा, केरला के बाद कर्नाटका उससे बेहतर चला गया, और इम्प्रूव करता गया। मतलब मध्य प्रदेश में जो हमें रिस्पांस मिला, महाराष्ट्र में जो रिस्पांस मिला, आप लोग दिखा नहीं रहे हो, वो तो आपके मतलब आपको करना पड़ रहा है, नहीं दिखा पा रहे हो, वो अलग बात है, बट भयंकर रिस्पांस है, इमोशनल रिस्पांस है, प्यार भरा रिस्पांस है सब जगह। यहाँ पे 2-3 योजनाओं के बारे में लोग मुझे कहते हैं और आम नागरिक कह रहे हैं। एक ये जो चिरंजीवी योजना है, इसके बारे में काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी योजना है। दूसरा जो यहाँ पे शहरी मनरेगा शुरू किया है, शहरी रोजगार गारंटी स्कीम, उसके बारे में भी लोग काफ़ी कह रहे हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, तो चलते हुए लोग थोड़ी शिकायत करते हैं कि यहाँ पे बिजली नहीं आ रही है थोड़ी सी, या फ्लोराइड, आज लोगों ने मुझे कहा कि उनके गांव में फ्लोराइड का पानी है, तो ऐसी शिकायतें तो आती है, वो तो सब जगह आती हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। नवज्योति से गुणेंद्र, शिकायत नहीं। नवज्योति से गुणेंद्र शर्मा। हेलो राहुल जी, ये आपके क्या है कि 4 साल सरकार के पूरे हो रहे हैं और सभी मंत्री सरकार रिपीट होने का दावा कर रहे हैं, अभी जो हाल में घटनाक्रम हुआ उसके बाद आपको क्या लगता है कि अब अगले एक साल में सरकार रिपीट के लिए क्या किया जाएगा? और इसी में एक सवाल है, जयराम रमेश जी ने कल कहा, एक सवाल प्लीज। बिना चेहरे के चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। आपने सवाल कर दिया, सवाल का जवाब देंगे, आपने सवाल कर दिया, एक सवाल। तो देखिए, चुनाव का प्रेडिक्शन आप लोग करते हो, आप लोग जानते हो, मगर मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा है, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी मतलब अनबिलीवेबल स्ट्रेंथ है। जो मैंने पहले कहा, अगर हमने जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे लोअर लेवल के लीडर्स हैं, उनको अच्छी तरह प्रयोग किया, तो हम चुनाव बहुत आसानी से जीत जाएंगे। जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, जो लोग हमारे लिए लड़ते हैं, अगर उनको हमने सही जगह दे दी, तो यहाँ पे भयंकर जीत होगी, स्वीप होगा। तो वही मेन इशू है। राष्ट्रदूत से योगेश शर्मा। राहुल जी, आप कह रहे हैं रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, निश्चित तौर पर सड़क पर बहुत सारे लोग आपको देखने सुनने आ रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत सारी अनिर्णय की स्थिति होती है। 80 दिन पहले आला कमान के निर्णय के खिलाफ जाकर समानांतर विधायक दल की बैठक होती है, उसमें प्रभारी के खिलाफ बयान दिए जाते हैं, आप 3 नेताओं को नोटिस देते हैं, 80 दिन बाद उस पर निर्णय नहीं होता। उसी दिन विधायक इस्तीफा देने गए थे, उन इस्तीफों पर कोई निर्णय नहीं होता। और सवाल कीजिए प्लीज। ये अनिर्णय की स्थिति कब तक रहेगी? कोई अनिर्णय की स्थिति नहीं है, बड़ा क्लियर है ये आपको। मतलब ये थोड़ा थोड़ा होता रहता है पार्टी में, हमारी पार्टी में होता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दैनिक भास्कर डिजिटल से गोवर्धन।
अगर आप कंट्रोवर्सी चाहते हैं मुझसे पूछिए, मैं कंट्रोवर्सी करा सकता हूं आपके लिए, थोड़े आपके बिकेंगे अखबार, नो प्रॉब्लम। हां गोवर्धन जी, भैया मैं कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं हूं, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट खारगे जी हैं, आप ये सवाल उनसे पूछिए। आपने सवाल पूछा, मैंने सवाल का आपने सवाल का जवाब मिल गया, फिर से दोहरा देता हूं, खारगे जी से पूछिए। टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर से जॉय चंद। सर मेरा क्वेश्चन है, ये कांग्रेस में क्या है, कुछ नेता लोग बोलता है ये कोई नेता चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, the lot of attrition in the Congress. So what you are planning to stem this tide of people leaving Congress and joining other parties and BJP poaching them? Where is the tide? Last I heard Congress won the election in Himachal Pradesh. You're not congratulating us for that? No, no. How come you haven't said congratulations Congress party winning Himachal Pradesh? That you're not saying? That is only a drop in the ocean actually. No, no it's not. See, please don't underestimate what the Congress party is. See, what has happened, and with all due respect, you have been responsible for it. Is that there, Hindi mein? Hindi? English or Hindi, you ask the question, what do you prefer? English. So, there has been a systematic defamation campaign, okay? Run against myself for sure, and run against the Congress party. And the press has participated willfully in this campaign. I don't blame you, but the idea that Congress party is withering away, Congress party is ineffective, Congress party, this has all been preached by the BJP opposition and by the BJP, and you have played a part in putting this across. Let me be very clear. The Congress party is an ideological party. It is the party that is ideologically opposed to the BJP. It is the party that is fighting the BJP on the ground. It does not compromise with the BJP. It has its principles. And of course, if certain people want to leave the Congress party, they don't have the courage to face the BJP. They have been corrupt and the BJP can apply pressure on them. They are welcome to leave. We don't want them. The more the merrier, right? What we need is people who are fighting the BJP, who believe in the Congress ideology, and who are standing firm against the fascism that is taking place in this country. That's what we need. So this idea that Congress party is dying, this Congress party, you know, is finished. I mean, a lot of people have this fantasy, right? It's not true. It won't come true. Mark my words. The BJP is going to be taken down by the Congress party. Okay? Thank you. जी राजस्थान से शशि मोहन, हिंदी में बोल दो। जी राजस्थान से शशि मोहन बोल दे। देखिए ये जो अभी जो बोला, देखिए बीजेपी आरएसएस, ये इनका काम डिफेमेशन है, ये यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, यही इनकी सबसे बड़ी स्किल है। मुझे डिफेम किया और हर रोज ये कांग्रेस पार्टी को डिफेम करते हैं, और मैं आपको सच बताऊं तो इसमें प्रेस का भी रोल है, और मैं आपको गलती नहीं देता हूं, आपके मालिक हैं, आप पर दबाव डालते हैं वो ठीक है, मगर ये कहना कि कांग्रेस पार्टी बिखर गई, कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, देश में बहुत जीवित है, लाखों करोड़ों लोगों के दिल के अंदर है, और यही पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, जो पीछे नहीं हटती है, आइडियोलॉजिकली लड़ रही है, और यही पार्टी बीजेपी को आने वाले समय में हरा के दिखाएगी। जी राजस्थान से शशि मोहन। ये तो भैया आपको उनसे पूछना पड़ेगा, वो तो वो बताएंगे, मैं कैसे बताऊं? मेरा पर्सनल नजरिया नहीं, लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, वो भी एक्सपीरियंस था, ये भी एक्सपीरियंस है, तो एक सफर है, उससे भी सीखने को मिला, इससे भी सीखने को मिला, मगर यात्रा से
मुझे पर्सनली तो काफी फायदा हुआ है, यात्रा भी खत्म नहीं हुई है मगर बहुत सीखने को मिला है। जो जो सड़क पे दिखता है और चलने से जो दिखता है वो बिल्कुल अलग होता है, मतलब थोड़ी थकान होती है, थोड़ा दर्द होता है, तो तब सुनने में सच्चाई अच्छी सुनाई देती है। फर्स्ट इंडिया से योगेश शर्मा, क्योंकि जब जब सड़क पे चला जाता है तो जैसे आप लाखों लोग, हम लाखों लोगों से मिल रहे हैं और वन टू वन बात होती है, और जब हम सड़क पे चलकर बात करते हैं तो जैसे हम किसान से मिलते हैं तो वो इस बात को समझ लेता है, एकदम समझ लेता है कि ये जो व्यक्ति आया है ये दर्द सह के आया है, ये फालतू में नहीं आया है, ये चल के आया है, एक प्रकार से बोझ उठा के आया है। तो वो दूसरे तरीके से बोलता है और वो दिल से बोलता है, वो दिमाग से नहीं बोलता है। तो जब हिंदुस्तान की जनता दिल से बोलती है तो बिल्कुल अलग चीज समझ आती है। एक बात ये है, दूसरी बात है कि मुझे लगता है, और इसमें मैं शायद गलत हूं, मगर मुझे लगता है कि हमारी राजनीति में जो पहले हमारी राजनीति हुआ करती थी, खासतौर से 70-80 साल पहले महात्मा गांधी जी के समय की राजनीति, इंडिपेंडेंस की राजनीति, उसमें राजनेता जनता के बीच में होता था, एक प्रकार से जनता के अंदर होता था, दूरी नहीं थी। और आज राजनेताओं के बीच में, और मैं सिर्फ सीनियर लेवल राजनेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, जूनियर लेवल राजनेताओं के बीच में और जनता के बीच में एक दूरी से पैदा हो गई है, थोड़ा सा उसको अहंकार कह सकते हैं, अहंकार पैदा हो गया है। शायद उस टाइम देश गरीब था, आजादी से आजादी मिली थी तो नेताओं की अप्रोच थोड़ी अलग थी। आजकल मुझे लगता है कि दूरी बन गई है, और मुझे, मैंने सोचा कि ये जो दूरी है, और शायद मुझ में भी थी थोड़ी सी दूरी, मैंने सोचा इस दूरी को खत्म करना है। ये दूरी फिजिकल दूरी नहीं है, ये दर्द की दूरी है। तो अगर हम दर्द नहीं सहेंगे हम पास नहीं जा सकते, समझ नहीं सकते। तो यात्रा का यह भी लक्ष्य था, सिर्फ मैं नहीं, अब कांग्रेस पार्टी के बहुत लोग चले हैं, जनता के बीच गए हैं और जनता का बहुत प्यार मिला है। आपको मैं समझा नहीं सकता क्या इसका मतलब है, ऐसे बोलने में बात नहीं समझ आती। और जो हिंदुस्तान का जो ज्ञान है, जो आम नागरिक में है, जिसके बारे में आप लोग लिखते नहीं हो, मीडिया में दिखाई नहीं देता, आप लोग ऐश्वर्या राय जी, विराट कोहली जी, अमिताभ बच्चन जी के बारे में लिखते हो, मगर जो आम नागरिक है, जो अपना खून पसीना दे रहा है, उसका जो ज्ञान है उसका कोई मुकाबला ही नहीं, उसका जो प्यार है उसका कोई मुकाबला नहीं, तो ये सीखने को मिला है। न्यूज 18 राजस्थान से सचिन शर्मा, मेरा रह गया था सवाल। हाँ अच्छा सॉरी। राहुल जी, कई रंग आपने देखे कन्याकुमारी से लेकर राजस्थान तक, और राजस्थान में गहलोत सरकार है या कांग्रेस सरकार है, लेकिन बाकी जगहों पर कांग्रेस का राज नहीं है, लेकिन कांग्रेस की कोख से जन्मे कई दल वहां पर क्षेत्रीय दलों के रूप में खड़े हो गए, जिन्होंने कांग्रेस को लगातार नुकसान पहुंचाने का काम किया, चाहे हम जगन रेड्डी की पार्टी देख लें या और दूसरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी देख लें। और जयराम रमेश जी ने कहा भी था एक दिन कि सवाल कीजिएगा, सीधा सीधा सवाल, सीधा सवाल, तो क्या
कांग्रेस अब इन सब पार्टियों की अगुवा बनेगी और जो कांग्रेस विचारधारा से निकले हैं क्या उनको समाहित करने का? हर पार्टी का एवोल्यूशन होता है, ट्रांजिशन होता है। जो कांग्रेस पार्टी 10 साल पहले थी, जो हिंदुस्तान के हालात 10 साल पहले थे, 20 साल पहले थे, 30 साल पहले थे, 40 साल पहले थे, वो बदलते जाते हैं। पार्टी को अडैप्ट करना पड़ता है। अभी आप कांग्रेस पार्टी को अडैप्ट करते हुए देख रहे हो। कमियां रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी गलती नहीं की, गलती की है, बहुत गलतियां की हैं, मगर देश के जो हालात हैं उसके लिए अब कांग्रेस पार्टी अडैप्ट कर रही है। और जो कांग्रेस पार्टी की जड़ है, जो उसका डीएनए है, अब कांग्रेस पार्टी उसके ओर जा रही है। और मैं आपको एक बात कह सकता हूं, जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी जड़ पकड़ ली, जिस दिन जो कांग्रेस है वो कांग्रेस संगठन बन गया, उस दिन यहां पे कोई नहीं हरा सकता कांग्रेस को। तो ये कम्युनिकेशन है, जनता के साथ एक कम्युनिकेशन है, जनता को समझने का प्रयास है और अपने आप को बदलने का प्रयास है, ठीक है। तो ये आप ट्रांजिशन देख रहे हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मगर ये विचारधारा जो है कांग्रेस पार्टी की, ये 10-15 साल पुरानी नहीं है, ये 100 साल पुरानी भी नहीं है। ये जो लड़ाई चल रही है ये हजारों साल पुरानी लड़ाई है, हजारों साल पुरानी। तो ये विचारधारा की लड़ाई पहले थी, आज है, कल भी रहेगी। कांग्रेस पार्टी को प्रिसाइसली ये समझना है कि कांग्रेस पार्टी है क्या, और वो एक सफर है। और हमारे लिए जो हो रहा है, मैं आपको बताऊं, ये जो बीजेपी आई है, जो आरएसएस आई है, सारे इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर लिया है इन्होंने, ये कांग्रेस पार्टी के ट्रांजिशन के बदलाव के लिए, ट्रांजिशन के लिए, नई एक जो कांग्रेस पार्टी का रूप है उसके लिए बहुत अच्छा है, खराब नहीं है। और जो हमारे सीरियस नेता हैं, जो कांग्रेसी हैं, उनको ये मालूम है और वो दिख जाते हैं, वो डरते नहीं हैं, वो दिख जाते हैं। न्यूज 18 राजस्थान से सचिन शर्मा, माइक दीजिएगा जल्दी यार। माइक ऊपर। मेरा सवाल ये है आपसे कि ओपीएस राजस्थान ने लागू किया, हिमाचल में भी ओपीएस की वजह से ही संभव था आप लोग सत्ता में आए। कल आप रघुराजन सर से मिले हैं, उनसे आपकी बातचीत, ये आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट की कि बहुत बड़ा हिमाचल में आप ओपीएस के कारण आए, ये मतलब साइंटिफिक एनालिसिस किसी ने नहीं किया है, उसका एक बड़ा रोल रहा होगा। गहलोत साहब भी कई बार गए, उन्होंने ओपीएस की बात कही, लेकिन कई अर्थशास्त्री उसके विरोध में, उसके खिलाफ है। कल आपकी रघुराम राजन साहब से लंबी बात हुई, क्या उनसे इस बारे में आपकी कोई बातचीत हुई, उनकी क्या राय है और आप इस बारे में? नहीं, उनसे इसके बारे में राय नहीं हुई। आप क्या सोचते हैं सर? प्यार से भैया, नहीं उनसे बात नहीं हुई, मगर हमारी जो जनरल अप्रोच होती है, जो हमारी स्टेट लीडरशिप नॉर्मली जो स्टेट लीडरशिप करना चाहती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हम उनको देते हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हर स्टेट को ये करना है, हम सेंटर से एडवाइस दे सकते हैं, एडवाइस देते हैं कि हमें लगता है कि ये ठीक है या ये ठीक नहीं है, बट जनरली हम स्टेट्स पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग तरीके से अपनी सरकार चलानी पड़ती है। इंडिया न्यूज राजस्थान से दिनेश डांगी। राहुल जी नमस्ते। राहुल जी आप लगातार कह रहे हैं कि ये मेरी यात्रा सियासी नहीं है, नया वोट मांग रहे हैं। सॉरी, क्या आपकी यात्रा सियासी नहीं है? मकसद 3 आपने बता रखे हैं। नहीं, ये मेरी यात्रा नहीं है भैया, कांग्रेस की, जन जन की हो जाएगी जो भी, मगर मेरी नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। लेकिन आप दिल से बोलते हैं, दिल का ही सवाल करते हैं, तो पब्लिक पूछ रही है ये आदमी क्यों घूम रहा है, इसको वोट नहीं चाहिए, राजनीति ये नहीं कर रहा, क्या फायदा मिलेगा? अल्टीमेटम जो मुद्दे आप उठा रहे हैं 8 साल से, 2014 से, न मीडिया न मोदी सरकार सीरियस ले रही है,
पब्लिक रिजल्ट दे चुकी है लोकसभा राज्यसभा में, तो वो कह रहे हैं ये क्यों घूम रहा है? ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि इस देश में बीजेपी ने डर और नफरत फैला दिया है, और ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि वो डर और नफरत को मिटाना चाहता है। और ये व्यक्ति, ये पहला व्यक्ति नहीं है जो ऐसे घूम रहा है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति घूमे हैं, और ये हिंदुस्तान का इतिहास है। ये जो नफरत और डर से लड़ने का ये हिस्ट्री है हमारी, ये इतिहास है, और मैं पहला नहीं हूँ और अंतिम नहीं होऊंगा। और ये मेरी यात्रा नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोगों की यात्रा है, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए यात्रा है, और ये हिंदुस्तान को जोड़ने की यात्रा है। राजस्थान मीडिया से आखिरी सवाल है, पत्रिका टीवी से राहुल सिंह। देखिए हिंदुस्तान, एक और चीज जोड़ना चाहता हूं, देखिए हिंदुस्तान में एक फैशन बन गया है, और ये प्रेस वालों ने भी थोड़ा फैलाया है, बीजेपी आरएसएस तो फैलाती है, कि देश के लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। मगर जो मुझे दिखा, और मैं अब तकरीबन 2500 कितने चले हैं जयराम जी, 2800 किलोमीटर चला हूं, तो थोड़ा तो मैंने देखा होगा। मुझे दिखा है कि इस देश में करोड़ों लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है, मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, भाईचारा है, और एक दूसरे के लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैंने भी सोचा था कि भाई देश को खो क्या गया है, ऐसे देश में इतनी नफरत कैसे हो सकती है। और सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छी चीज देखने को मिली कि नफरत ऊपर से फैलाई जा रही है, उसमें आप लोग भी काम कर रहे हो, करना पड़ रहा है, मगर नीचे से आप देखें, प्यार है, भाईचारा है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है, और यही इस देश की संस्कृति है, यही इस देश की हिस्ट्री है, इसको बदला नहीं जा सकता है। राहुल जी, आपने 2500 किलोमीटर की यात्रा की और लगातार चल रहे हैं, इस पूरी यात्रा में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या आपने बदलाव, क्या दो तीन अहम चीजें महसूस की जो आने वाले समय में चुनौती बन सकती है और कांग्रेस पार्टी उसका मुकाबला भी कर सकती है, इस तरीके क्या दो तीन चीजें अहम रूप से महसूस की आपने? इस देश में आर्थिक अन्याय हो रहा है, और देश के लोगों को ये दिख रहा है, देश के लोग देख सकते हैं कि चुने हुए लोगों के पास सब कुछ है, सपने हैं, अरबों रुपए हैं, सब कुछ है, और करोड़ों लोगों के पास कुछ नहीं है, सबको दिख रहा है। करोड़ों लोग हर रोज उठते हैं, कोई ना कोई सपना देखते हैं, और फिर उनका सपना टूट जाता है। युवा कोई इंजीनियर बनने की कोशिश करता है, कोई डॉक्टर बनने की कोशिश करता है, दिल में उनको सच्चाई मालूम है कि कुछ मिलेगा नहीं, जानते हैं। जैसे बहुत सारे युवा मुझसे कहते हैं, मैं पूछता हूं क्या कर रहे हो, IAS में जाना चाहते हैं,
फिर मैं सवाल पूछता हूं, बेटा हिंदुस्तान में कितने लोग हैं? 140 करोड़। बेटा हिंदुस्तान में साल में आईएएस कितने लोगों को मिलती है? 150। क्या तुम्हें सचमुच में लगता है कि तुम आईएएस में जा सकते हो? चुप हो जाते हैं। तो इस देश में जो अन्याय हो रहा है, जिसकी ये रक्षा आप भी कर रहे हो, जिसको आप भी छुपा रहे हो, आप नहीं छुपाना चाहते हो मगर छुपा रहे हो, वो देश की जनता को दिख रहा है। और ये यही कांग्रेस पार्टी का काम है कि जो देश को जो विजन होना चाहिए, आगे का, पीछे का नहीं। बीजेपी कहती है देखो 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 2000 साल पहले क्या हुआ, वो विजन नहीं होता है। जैसे मैंने किसी से कहा, गाड़ी को आप रियर व्यू मिरर में देख के नहीं चला सकते, एक्सीडेंट होगा। वो हिंदुस्तान को हो रहा है। कांग्रेस पार्टी आगे देखती है, भूलते नहीं, हिस्ट्री को भूलते नहीं है, मगर हम आगे देखते हैं। हम देश को विजन देने की कोशिश करते हैं, हम देश की आवाज सुनते हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और यह काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है और कोई बीजेपी नहीं कर सकती। तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दुख होता है, यह देखकर दुख होता है कि सौ लोगों के पास इतना धन है जितना 50 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। एक तरफ 100 लोग, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की आधी आबादी, उतना ही धन इनके पास, उतना ही धन इनके पास, पूरा हिंदुस्तान जानता है क्या हो रहा है। मैं हैरान हो जाता हूं कि लोग चुप रहते हैं। दिल बड़ा है उनका, मगर ऐसे देश नहीं चलाया जा सकता। तो यह समझने को मिला मुझे। राहुल जी, हमारे पास 5-7 मिनट बाकी हैं, 3 सवाल जल्दी लूंगा मैं दिल्ली स्थित मीडिया से। असीम कमाल पीटीआई से। सर, 2024 इज नॉट वेरी फार, there are a lot of regional parties that have been talking about bringing the opposition together. When will the Congress take the lead in bringing the opposition together? And in that context, how will you reconcile your differences with parties like TMC and AAP? Brother, you have to ask this to the Congress president. I have a view that the Congress party must work with all the opposition parties. There's a lot of space to do that. But the exact strategy, how it's going to be done, that you have to ask the new Congress president. I am actually not involved in that right now. Niyamika Singh, Times Now. Is she here? Yeah, Niyamika. Please take the mic and ask the question. Take the mic and ask the question. Hi, sir. Sir, my question to you is that after this successful completion of 100 days of Bharat Jodo Yatra, is the Congress party also planning to move from west to east in the country? Ab dekhte hain, let us see. But you know, before I came to this press conference, I was having lunch with my friend here. And I said to him that I bet you that the press will not ask me a question on China. I said, मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच था।
विजयलक्ष्मी फ्रॉम इंडिया न्यूज. विजयलक्ष्मी माइक दीजिएगा विजयलक्ष्मी जी को. ब्रदर देश देख रहा है, ये मत सोचिए कि नहीं देख रहा है. राहुल जी, विजयलक्ष्मी इधर. राहुल जी, हम मैं चाइना पर ही पूछना चाह रही थी. अब आप पूछ रहे हैं चाइना पर. नहीं नहीं राहुल जी, मैं अब पूछ रही है. नहीं नहीं, मैं चाइना पर ही पूछना चाह रही थी. अपनी बारी का इंतजार करी थी मैं, क्योंकि एक ऑर्डर है प्रेस कॉन्फ्रेंस का. क्योंकि पार्लियामेंट में आपसे मुलाकात नहीं हो पाती है, भारत जोड़ो यात्रा में आप हैं. आपकी पार्टी उठा रही है ये मसला हाउस में, लेकिन सरकार की तरफ से कहा जाता है एक इंच भी कोई हमारी जमीन का नहीं ले सकता है. लेकिन उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं. आपको लगता है अप्रोच में कुछ चेंज करने की जरूरत है? मुझे जो दिख रहा है, जो चाइना का थ्रेट है, और मुझे तो वो क्लियर, और मैं इसको अब 2-3 सालों से कह रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है. और सरकार उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, सरकार उसको इग्नोर कर रही है. मगर उस थ्रेट को ना छुपाया जा सकेगा और ना इग्नोर किया जा सकेगा. उन्होंने, उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है. हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है. इस बात को हिंदुस्तान की सरकार सुनना नहीं चाहती है, मगर उनका प्रिपरेशन चल रहा है, और प्रिपरेशन युद्ध का है. प्रिपरेशन कोई इंकर्जन का नहीं है, प्रिपरेशन युद्ध का है. अगर कोई भी इन बातों को समझता है, अगर आप उनका वेपन्स का पैटर्न देख लें, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं. और हमारी सरकार इस बात को छुपाती है और इस बात को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है. हो क्यों रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है, हिंदुस्तान की सरकार स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करती है, इवेंट बेस्ड काम करती है. वो सोचते हैं कि भैया यहां पे एक इवेंट करो, यहां पे एक और इवेंट करो. मगर जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात होती है, जियो स्ट्रेटेजी की बात होती है, वहां पे इवेंट काम नहीं करता है, वहां पे शक्ति काम करती है. तो मैंने 3-4 बार बोला है कि सावधान रहना चाहिए, जो हो रहा है उसको समझना चाहिए. उनकी बयानबाजी आती रहती है, मैं देखता हूं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते रहते हैं, कहना नहीं चाहिए, मगर शायद उनको थोड़ी अपनी समझ गहरी करनी चाहिए. आखिरी सवाल राजदीप सरदेसाई, इंडिया टुडे से. मिस्टर गांधी, थैंक यू वेरी मच फॉर एड्रेसिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस. इट्स गुड टू हैव लीडर्स हु टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रेस, एंड वी वर गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन ऑन चाइना एज वेल. नो यू आर नॉट. No, we had it. Moshmi and I had discussed it, but that's course. Okay, sir. No. Of course. That's okay, after sir. I said it, of course, now suddenly questions will come. No, anyway, we don't need to get into it. Sir, you started your press conference by saying that you believe the Yatra has been a success as it's gone from Kanyakumari into North India. Can you define for us what Rahul Gandhi believes is the success of a Yatra? Because only last week, you lost an election in Gujarat badly, you won an election in Himachal. Is electoral success one of the criteria for you when you say success of the Yatra? And what next for you after this Yatra, Rahul Gandhi ji? Are you building towards 2024? Is that also part of this Yatra's journey, sir? Look, there is a particular vision of this country that the RSS and the BJP propose. There is a particular path that they believe this country should take. It's a violent path. It's a hate-filled path. It's a path that is designed to create two Indias. One is an India where there are 5 or 6, 10 billionaires, and
the other India where everybody else will live in poverty, in desperation. That's their vision. It's also a hate-filled vision. It's an angry vision of India. And it is a view. It is a view held by quite a few people that this is what India should look like. That one language should dominate, one state should dominate, one idea should dominate, one culture should dominate, right? One religion should dominate. And there's another view. And that view is that this country should talk to itself. It should have a conversation with itself. It should be affectionate to itself. It should understand the pain that this country is going through. It should not be arrogant, it should be humble. It should reach out to other people. It should embrace other people. This is another vision. This is what the Bharat Jodo Yatra has been very successful at showing, that there is another alternative. Nobody in the Yatra is beating each other up. Nobody is abusing each other. Someone falls down, everybody lifts them up. Nobody asks, what caste are you? Which state you come from? How dare you come here? Nobody's asking these questions, right? And that the Yatra has been full of love and affection. Anybody comes, they're treated with respect. Doesn't matter who they are. A lot of people come to me when I'm talking to them. I don't agree with them. They'll say something to me. I tell them, I don't agree with you. But there is the space for the disagreement. So where the Yatra has been extremely successful is that it is shown that there is another way of doing things. It is shown that you can actually respect people. You can actually embrace people. You don't have to be nasty and cruel. Okay, so there it has been a tremendous success. What next for me? I have said that the Yatra ends in Srinagar. I think it will end by the end of January. And I've said that, look, it is my endeavor to focus on this Yatra until the flag is hoisted in Srinagar. This is it's a public journey. It's a journey of many, many Yatris, millions of people. But for me also, it's a private experience. It's getting to understand a lot about the people that I love, about myself. And so it has been a big experience for me. It's been a very good learning experience for me personally. And you can ask that question to most of the Yatris. They will tell you the same thing. One of the reasons the BJP wins elections, I mean, there are multiple reasons, right? There is that they have huge amounts of money. They use the institutions of the country. They pressurize and threaten people. Those things, those tools are not available to us. We don't want to use them. We will never take over the institutions of this country because we are the ones who built them and we know that they belong to the people of this country. We'll never touch them. So we can't do that. We don't have access to that money. We never will. Right? Because we don't offer the conveniences that the BJP offers. We say inconvenient things about farmers and laborers and small businesses and youngsters, and we do all that. So we can't, we won't, we'll never get that money. But one of the other reasons that BJP wins elections is because they're very clear on who they are. They're hateful. I don't agree with them. They divide India. I don't agree with them. But they have complete clarity on who they are. It's easy to have clarity on who they are, because for them it's just
Do you hate so and so? Yes, you do. Okay, that's who you are. For us, it's much more complicated. But the day the Congress Party understands in depth who it is and what it stands for, it will win every election that it faces. Okay? There is also the matter of fighting elections operationally, which we are getting better at. Himachal Pradesh election, we faced the full money of the BJP, the full organizational capability of the BJP, we beat them. And frankly, if in Gujarat the AAP hadn't been put up as a proxy and hadn't been used to target the Congress Party, we would probably beaten the BJP there as well. So we are learning, but we are different than the large number of opposition parties. We work with them, we appreciate them, we believe they're important, but we're different. And the way we're different is we represent a national ideology. We represent a vision for the country. None of the regional parties can represent a vision for the country. They can represent a vision for a community or a vision for a state, but they cannot represent a vision for the country. Right? And what we are competing with is a vision that the BJP is proposing for the country. So the space of the Congress Party will always be there. The people who believe in the Congress Party will always be there. Let me finish. The people who believe in the Congress Party will always be there. It's a question of getting them excited, getting them motivated, and getting them to believe in what they stand for, which the Yatra has been very, very good at doing. No, Rajdeep, no supplementary, please. So no supplementary. Rajdeep, no supplementary, please. Okay, you're not thinking of 2024. Shukriya, Rahul ji. Rahul ji, shukriya. Okay. Aane so you're not thinking of 2024 or no supplementary, please. Okay. Please respect the rules that have been set. No, let me. I have informed you the rules. Jairam, one sec. See, the point is. See, I understand. Look, no like supplementary. आप बार बार पूछते हैं. I'll just answer that. बार बार पूछते हैं. आप चुप रहिए. I'll answer the. चुप रहिए आप. आपको पहले मिला था तेलंगाना में. आप हरियाणा में आइए. आप हरियाणा में. ब्रदर, अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप हरियाणा में आइए. नहीं नहीं, मैं आपको करवा दूंगा. पहला आपको देंगे. अरे आप बार बार पूछते हैं राहुल जी. यार धमकी देते रहते हैं आप. ओके ओके, फ्रेंड्स फ्रेंड्स, एवरीबॉडी फ्रेंड्स. Rahul, okay, one second. Now I just want to. I just want to say one thing to Rajdeep. Okay. See, the point is that these questions are meant to distract, right? They're meant to take the press conference to a different place. I've got enough experience now. I'm not going to fall for it, right? And I'm not going to actually indulge in helping you take the press conference to a place where I don't want it to go. Thank you. Thank you.